हेलो 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 एवरीवन वेलकम बैक 48 एट आवर्स हो चुके हैं सिंस डिज़ास्टर स्ट्राकस है ना uh, मेरे पिछले जो दो वीडियोस थे फर्स्ट वन द पॉडकास्ट दैट वी डिड लाइव विद रंजीत सर राइट आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर वी लॉस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान और उसके बाद मैंने कल uh, अपना एक पर्सनल मतलब ओपिनियन और पर्सनल रिएक्शन सोलो रिएक्शन भी डाला हुआ था यूट्यूब के ऊपर और दोनों ही वीडियोज में ऑब्वियसली थोड़ी सी मायूसी छाई हुई थी लाइक योर इन मॉर्निंग राइट वेन योर टीम लूजेज एंड ये तो हमारी नेशनल टीम है uh, तो डोंट गेट मी रोंग आई स्टिल आई एम इन शॉक आफ्टर वॉट हैपन् बट यार वक्त के साथ आप हील होने लगते हो थोड़े से आपको थोड़ा सा परस्पेक्टिव आने लगता है कि वाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग एंड ये चीज़ें अब बहुत बार डिस्कस हो चुकी है वॉट वॉट वेंट रॉन्ग विथ इंडिया वॉट यूजुअली गोज़ रॉन्ग विथ इंडियन फुटबॉल ग्रास रूट्स जूनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें हमने इस चैनल पे भी डिस्कस करी है आपने कहीं बहुत जगहों पे इनके इन चीज़ों के बारे में सुना होगा राइट एंड इट्स परफेक्टली फाइन लेकिन मैंने कमेंट्स ऑब्वियसली मैं पढ़ रहा था आप सबके

वे बैक के वो इन दोनों रिजल्ट के ऊपर अफगानिस्तान के मैचेज के रिजल्ट के ऊपर भी इंडियन इस टी मैच को जज नहीं करेंगे बट ही इज गज दम जजिम अगेंस्ट कुवेत एंड अगेंस्ट कतर बिकॉज उस टाइम पे ऑफ सीजन होगा इज गु गेट टाइम विद द टीम एक्सेट्रा तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने कुछ अलग बात बोली ही हैज़ बीन फर्म विथ वॉट ही सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम ठीक है ऑबवियसली यूर फ्री टू इंटरप्रेटेड द वे यू वॉन्ट दैट्स वॉट यू नो हमारे हम फैंस हम का काम ही है लेकिन स्टी मैच के बारे में मेरे को आप जो जि, जिन लोगों ने कॉमेंट्स किए मैं काफ़ी सारी आपके बातों से यार मुझे उससे परस्पेक्टिव मिला मैं बहुत सहमत हूँ उस चीज़ से बिकॉज एक तो आई कम्प्लीटली अग्री आई कम्प्लीटली अग्री विद द फैक्ट दैट अफगानिस्तान को हराने के लिए वो भी अफगानिस्तान की सी बी एस सी टीम को हराने के लिए बिकॉज एशली वेस्पुट जो अफगानिस्तान के कोच हैं उन्होंने कहा कि हमारे अफगानिस्तान के नेशनल टीम में चार ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास क्लब्स भी नहीं है खेलने के लिए शरीफ मोहम्मद अमीरी जो उनके कैप्टन हैं ये आई लीग में खेलते हैं और हमारे नेशनल टीम के सारे लड़के आईएसएल में हैं और आईएसएल एस एल इज अ टॉप टीयर इन इंडियन फुटबॉल आई लीग इज द सेकंड डिवीजन तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वी फेस डिफीट व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल मतलब बात यह है कि जो आप में से कई लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान की इस बी टीम को हराने के लिए हमारे पास दो दिन का भी कैंप ना हो ना अगर बस हमारे प्लेयर्स इकट्ठा हो गए और इफ यू दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग विथ सम्म अप they should be able to get over the line against Afghanistan which I completely agree with. Steam match ने मुझे लगता है कि definitely कुछ गलतियाँ करी है यार और सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती मुझे जो steam match की लगती है वो ये है कि देखिए जब आप एक head coach है ना तो आप fans को बेवकूफ़ समझने की तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा because ऐसा नहीं होने वाला और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि 2023 में व्हेन इंडियन टीम वाज किलिंग इट तब फैंस ने सपोर्ट भी उतना ही किया कोच को प्लेयर्स को वंदे मातरम चैंट सब कुछ चल रहा था राइट लेकिन जैसे ही इस साल हम हारने लग गए पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिर उजबेकिस्तान के अगेंस्ट फिर सीरिया के अगेंस्ट तब से मुझे लगता है सीरिया के मैच के बाद खास करके फैंस स्टार्टेड टू कॉल्स टी मैच आउट वाई बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के के बाद के मैच के बाद क्या हुआ पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी हैव सम प्लेयर्स इंजर्ड हमारी बेस्ट इलेवन नहीं है ऑस्ट्रेलिया की रैंक बहुत बेहतर है हम जूनियर्स में अच्छा नहीं कर रहे ग्रास रूट्स इंडिया में प्रॉपर नहीं है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप अगर ऐसी बातें करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिर भी बिकॉज हमारा परफॉर्मेंस अगर आपको याद हो संदेश झिंगन का इनफैक्ट uh, uh, दीपक तंगरी का एवरीबॉडी एक्चुअली इट वाज अपलॉडेड बिकॉज पता है यार भाई ऑस्ट्रेलिया है फाड़ू टीम है ऑस्ट्रेलिया को हराना तो छोड़ो ड्रॉ निकालना भी बहुत मुश्किल था बट द स्कोलाइन वॉज नील फॉर अ लॉन्ग टाइम विच इज विच वॉज क्रेडिट टू द वे दैट द इंडियन टीम प्लेड दैट डे लेकिन वहां पर से जो एक्सक्यूज शुरू हो गए वो यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे बिकॉज उसके बाद उजबेकिस्तान के मैच के मैच में हमने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया आफ्टर वॉल बी सो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भाई हम उस हिसाब से काफ़ी एक लोअर रैंक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया तो वी एक्सपेक्ट मच बेटर बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम ये कर सकते तो उजबेकिस्तान के खिलाफ तो भाई हमें फाड़ देना है एटलीस्ट ड्रॉ तो लेना ही लेना है लेकिन उजबेकिस्तान के अगेंस्ट क्या हुआ वी बेसिकली गॉट आउट प्लेड कंप्लीटली उसके बाद भी वही बात है कि अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप के लिए इंडिया कभी क्वालिफाई नहीं करता तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट रिजल्ट एट द टॉप लेवल चेतरी के अलावा और कोई है ही नहीं जो इंडियन टीम इंडियन लीग में इंडियन सुपर लीग में एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है तो मैं यू नो आई डोट हैव अगर पुल टू चूज एटसेट्रा एटसेट्रा मतलब सी आई एम नॉट इवन सींगट ये सारी चीजें गलत है ठीक है लेकिन वो टाइम नहीं है शायद ये चीजें डिस्कस करने का इट जस्ट इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू कम ऑफ कम अक्रॉस और कम ऑफ एज जस्ट ट्राइंग टू सेव योर एज और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि फैंस को बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिएगा बिकॉज वहां से फैंस स्टार्टेड कॉलिंग हिम आउट एंड उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो अगेन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था वी लॉस्ट अगेंस्ट सीरिया वॉर टोन कंट्री जहां पर के यार प्लेयर्स सारे सीरिया के बाहर खेलते हैं सारे यू नो you know, इतने ज़्यादा मुशक्कत करके आ, उनकी टीम जो है वो जुड़ी है और उनके अगेंस्ट भाई एंड सीरिया वो क्लोजेस्ट टू तो आर रैंकिंग राइट बिकॉज हम उस टाइम पे कुछ नाइन्टी नाइन्थ थे सीरिया वो आई थिंक एटी नाइन्थ और नाइन्टी फर्स्ट हमारे ऊपर थे बट नॉट बाय मच और उसके बाद भी इस टीम है स्टार्ट डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग और उस टाइम पे ही सेट दैट मैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इंडिया को थर्ड राउंड तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगा अगर अगर मैंने नहीं पहुंचाया तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा ये उन्होंने कहा है तो ये मेरे ख्याल से जो एक्सक्यूजेस देने की लाइन है ना वो मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है फैंस को वो बिल्कुल ही मतलब नहीं पसंद आ रहा है और आई थिंक दैट यू नो वी आर राइट इन फीलिंग दिस वे द अदर थिंग सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है ऑन अ माइक्रो लेवल जो अफगानिस्तान के खिलाफ खा, खास करके हमारी हुई मुझे लगता है कि देखिए कोई भी फुटबॉल टीम हो ना आपकी फेवरेट टीम के बारे में आप सोच के देख लीजिए एक टाइम एनी टीम वेर यू डोंट नो वॉट योर बेस्ट इलेवन इज इज कैन नॉट बी अ गुड टीम ठीक है मतलब दैट इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अ क्लियर प्लान इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी हाँ एक हाथ दो पोजिशन ऐसे हो सकते हैं जहां पर के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है सो so, You know, whether it's Grealish or whether it's Doku, you know what I'm saying? It's not, it doesn't make a whole lot of difference depending on whose form is better, who's available, etc. You choose. But इट्स बेसिकली उन्नीस बीस ठीक है तो एक दो पोजिशन जैसे हो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हमारे साथ ये होता है और खास करके अफगानिस्तान के तो दोनों दोनों मैचेस में दिख गया कि पहले मैच में हमने देखा विक्रम प्रताप हु इज द इनफॉर्म प्लेयर आई एस एल में इंडिया का हाइस्ट गोल स्कोर विथ सेवन गोल्स जस्ट ऑफ ऑफ फ्रेश ऑफ ऑफ हैट्रिक अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इस टीम प्रॉब्ली थॉट डैट दिस 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 गाय दिस चांस एंड यू पुट हिम इन देयर विथ चेतरी आई थिंक मनवीर सिंह ऑल्सो स्टार्टेड दैट गेम तो वो हमारे एक तरह से फ्रंट थ्री थे और चांगटे स्टार्टेड दैट गेम ऑल्सो तो यार जो अटैकिंग में हमारा जो ट्रायो है ना ऑफ पिछले मैच में जिन्होंने स्टार्ट किया लिस्टिन कुसो सुनील चेत्री एंड मनवीर सिंह ऑन द राइट हैंड साइड यार ये ट्रायो बिल्कुल भी हमारा हमारा टेस्ट सो कभी कभी नावरे महेश स्टार्ट ऑन द लेफ्ट कभी कभी चांगटे ऑन द राइट कभी चांगटे ऑन द लेफ्ट मनवीर सिंह हु आई यू नो थिंक ही सपोज टू बी अ नंबर नाइन लेकिन डिपेंडिंग ऑन भाई कौन कोच आ रहा है कौन आ, कौन टीम खेल रहा है उसकी पोजिशन बार बार ही चेंज होती रहती है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग यार बिकॉज आप अगर एक सेंट्रल स्ट्राइकर हो तो आप आउट वाइड आपको नहीं खेलना एंड वाइस ए वर्षा तो एक टाइम एक आता है यार जब जैसे कि आप चेतरी को राइट पर खिलाओगे नहीं ना बिकॉज ऑब्वियसली वो एस्टेब्लिश्ड स्ट्राइकर है आपके तो ए, एक टीम में आपका एस्टैब्लिश्ड प्रेफर्ड पोजीशन होना बहुत जरूरी है जो कि इंडियन टीम में यार फिलहाल मुझे लगता है डिफेंस में आप किसको लोगे मुझे लगता है अगर आप गोल कीपिंग की पोजीशन से ही स्टार्ट करोगे तो गुरप्रीत सिंह एंड मैं सिर्फ पिछले मैच के मिस्टेक की वजह से या मिस्टेक नहीं लेकिन गेव अवे द पेनल्टी उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ लेकिन इज इट टाइम गाइज इज इट टाइम आपको लगता है कि समन एल्स डिजर्व द चांस लाइक सचिन सुरेश और विशाल कैथ इवन डिजर्व अ चांस डज आशीष राय अ फैंटेस्टिक राइट बैक डज ही डिजर्व अ चांस ऑन द राइट इन प्लेस ऑफ निखिल पुजारी सेंटर में मुझे लगता है कि के मच ऑफ अ नॉट मच ऑफ अ डिस्प्यूट आई थिंक संदेश झिंगन मैन ही इज़ फिट एंड अनवर अली सर्टनली वन ऑफ आर बेस्ट प्लेयर्स बॉल बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स छोड़ो बॉल प्लेइंग प्लेयर्स ही इंडियन टीम में कम है हु आर गुड ऑन द बॉल अनवर अली इज़ वन ऑफ देम सो ही इज़ नॉट रिप्लेसेबल एट ऑल लेकिन सो ये दो सेंट्रल डिफेंडर्स हो गए आपके लेफ्ट पे वेल आकाश मिश्रा सर्टनली आईट चूज हिम अबव सुभशीष बोस लेकिन जीत जो जस्ट इंजरी से आए थे उन्होंने पिछली मैच स्टार्ट करी वॉजी वॉजी फिट इनफ टू टू एक्चुअली स्टार्ट बिकॉज थोड़े ऑफ कलर लग रहे थे थोड़े ही लुक लाइक ही ही इज नॉट हैड अ लॉट ऑफ गेम टाइम इन रिसेंट टाइम्स अपू आ यार अपू आ वेन ही वॉज वेन ही वेन पीपल गॉट टू नो अबाउट दिस गाय आई रियली थाट यार ये ही इज गो टर्न इन टू अ फैंटेस्टिक अटैकिंग मिडफील्डर जब मुंबई सिटी एफ सी के पहले भी नॉर्थ ईस्ट में वैन जो जब वो मचा रहे थे जब वो नजर में आए सबके पिछले मैच में ही स्टार्टेड इन एन अटैकिंग रोल जबकि ज़्यादातर टाइम्स टीम मैच ने उन्हें एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाया इनफैक्ट आई एम अ बिग एडवोकेट एडवोकेटेड अपुइया शुड बी प्लेइंग एंड शुड बी ग्रूम्ड एज अ मोर अटैकिंग प्लेयर लेकिन ज़्यादातर मैचेस टीम मैच के अंडर जो मैंने देखे हैं वो डिफेंसिव ही खेलते हैं एंड इवन मुंबई सिटी एफ के लिए भी तो जब हमें पता ही नहीं है यार कि हमारा बेस्ट इलेवन क्या है तो हम कैसे एज ए टीम खेलेंगे कैसे हम सोचते हैं रंजीत सर भी कह रहे थे डेंट लुक लाइक अ टीम एट ऑल यार ऑफकोर्स इट डेंट लुक लाइक अ टीम मैन एंड आई कोडेंट अग्री मोर के इतना ज्यादा डिसज्वाइंटेड प्ले इंडियन टीम का बहुत टाइम बहुत ज्यादा टाइम में नहीं देखा तो वाइल आई डू अग्री के भाई हाँ हमारा सब सच है यार ग्रासवूड सही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए पहले क्वालिफाई करना है जूनियर टीम चाहिए सब कुछ ठीक है लेकिन येस गाइज मैं आप में से कई लोग जिन्होंने कमेंट करके कहा कि इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ भाई आग बंद करके अफगानिस्तान की बी सी टीम के साथ तो आग बंद करके हम खेले तो भी जीतनी चाहिए कंप्लीटली अग्रीड स्टी मैच हर बार अगर रीजंस आप दे आप दोगे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर जगह पर तो वो रीजंस आर गोइंग टू कम अक्रॉस एज एक्सक्यूजेज यू कॉन्ट ब्लेम पीपल फॉर फीलिंग सो एंड अफकोर्स मुझे टीम सिलेक्शन के बारे में भी मुझे लगता है कि यार इट्स अबाउट टाइम दैट वी गेट टू नो कि कौन प्लेयर हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और उनकी पोजीशंस कौन सी बेस्ट है ज्यादातर यार जो मैं देखता हूँ ट्रायल एंड एरर ही होता रहता है कभी एक बंदा लेफ्ट पे, पे, right पे है कभी कभी चांगते लेफ्ट पे है कभी चांगते राइट पे है अपू या कभी डिफेंसिव मिड में कभी अटैकिंग मिड में इट्स नॉट गोडो वर्क गाइज इट्स 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 जस्ट नॉट गोडो वर्क वी नीड टू नो वॉट आर बेस्ट इलेवन इज चाहे वो यू नो इवन इफ इट्स नॉट गुड इनफ इट्स फाइन बट नोइंग योर बेस्ट लेवन एंड प्लेइंग देम टुगेदर उससे जो एक क्लैरिटी आती है वो क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो आपको क्या लगता है स्टीम मैच की क्या गलतियाँ हैं जो आपने देखी हैं इन पाँच सालों में अंडर ईगो टी मैच एंड स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स जो आपको लगता है कि डेफिनेटली अवॉइड हो सकती थी या अवॉइड होनी चाहिए थी और आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है सबसे ज़्यादा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो